सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सभी नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो है अपने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो बात करें सब्सक्राइबर की या फिर ऑडियंस की, तो वो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के साथी है। तो उनकी एक मांग रहती है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कैसे करना होता है, क्योंकि अब वैसे देखा जाए तो प्रत्येक वैकेंसी में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल आवश्यक कर दिया गया, यानी रिन्यूड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए। एक निश्चित अवधि के बाद नर्सिंग के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनका रिन्यूअल ज़रूरी है। तो पूरा प्रोसेस जो है अब ऑनलाइन हो चुका है, अब हर भर्ती में रिन्यूअल ज़रूरी कर दिया गया है। तो अपन पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसके अलावा रिन्यूअल हो या फिर कोई वैकेंसीज हो, सभी की पीडीएफ के लिए पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर ज़बरदस्त जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए अपन शुरू करते हैं। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फ्रॉम ऑल स्टेट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, आपको ई मित्र पर जाना है और जो है कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नंबर दो, चालान या डीडी ऑफ फीस, यानी जो फीस आपने डीडी कटवाई है उसका स्लिप लेके जाना है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, 10th 12th एंड नर्सिंग के सेकेंड ईयर फाइनल के जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो ले जाने। अब बात करते हैं नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फॉर केरला हो, केरला और राजस्थान हो चाहे ऑल स्टेट की, इज़ डन बाय केरला नर्स। और जो यहाँ पर जहाँ जहाँ केरला आ रहा है वहाँ आप अपना स्टेट जोड़ सकते हैं। मैंने केरला का ही उदाहरण लिया है क्योंकि ये जो है अच्छा प्रोसेस है। नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल NOC थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम KNMCS ऑफिशियल वेबसाइट। द मेन जॉब ऑफ KNMCS इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एंड MSc नर्सिंग ऑफर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सक्सेसफुल, यानी कि आपके पास ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक या फिर MSc का कोई भी रजिस्ट्रेशन है, सभी का अब जो है ऑनलाइन कर दिया गया है रिन्यूअल, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम केरला एज RN या RM एज वेल एज डू रिसिपोरल रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट में भी आपने यदि अपने स्टेट से नर्सिंग करी है और उसका रिन्यूअल चाहते हैं तो यही प्रोसेस रहेगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन, आपको सबसे पहले फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकालना होगा, फॉर्म भर के वो लेके जाना है, चालान DD ले जानी है, फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करवा देना है। क्योंकि अब जो है प्रत्येक वैकेंसी में आपका, वैसे तो हमेशा रिन्यू हर भर्ती में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के बाद जो है उसका रिन्यूअल ज़रूरी है अगली वैकेंसी के लिए। तो जो अपना रजिस्ट्रेशन देखे वहाँ पर टिल लिखा हुआ है, यानी कि कब तक के लिए मान्य है, वैलिड टिल, वो देख लें। और यदि आपका जो है वैलिड टिल की डेट पूरी हो चुकी है तो जल्दी से रिन्यू करवा दें। थैंक यू सो मच।